ठीक है, मैं अब एक आदमी को बुला रहा हूँ। अच्छा, इस्लाम इज ट्रूथ। वाह, हेलो। हेलो सर, आप वैसे भागते बड़े हैं गुलाब की बात से। जब आप गुलाब की बात करेंगे ना, गुलाब ने मैं उसी पे बात करूंगा। अगर आपने नहीं करनी तो आप नहीं सर करें बात करें। हाँ, तो आप जवाब दें उसका। क्या बुलाब, मतलब लिखा हुआ था क्या बुलाब जन्म में जाएगा और वो मतलब वो काफर होगा, मतलब वो तेरा मतलब जन्म में जाएगा तो मतलब काफर ही जन्म में जाते हैं, तो मतलब वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा। तो और इतनी देर पहले उन्होंने पेशगोई कर दिया, मुझे बताएं कि वो पेशगोई आप सच्चे नबी होने की, और या मतलब नबी नहीं थे तो फिर आपने पेशगोई कैसे की? क्यों नहीं कर सकते भाई पेशन गोई? क्या नबी के बाद किसी ने पेशन गोई नहीं की? क्या वर्ल्ड में नबी के बाद किसी ने पेशन गोई नहीं की? मुझे कोई गलत पेशन गोई बता दे। रुके ना, मुझे कोई गलत पेशन गोई बता दे, पेशन गोई गलत साबित होगी। नहीं, देखिए अभी बिलाल फिलिप्स की पेशन गोई है कि एक मुस्लिम की सोना में आने वाली, देखिए गलत होती कि सही होती। क्या आप उसको नबी मान लेंगे अगर सही हो गई? कौन सी सोनी है आपको? क्या इसने आपसे इस एक्स मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम हो रहे हैं भाई, आपको क्या पता आप कौन होती हैं? वो तो फिर ये भी पेशनगोई थी कि इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में फैलेगा, और वो देख लें फिर इसका क्या है। ये वो पेशनगोई आप सुन की भी है, फिर आप देख लें। नंबर पता है क्या? अब नंबर बंदा कहेगा ये बंदा इस्लाम कबूल नहीं करेगा, और क्या आपको नहीं, बंदा एक कहेगा ये इस्लाम बंदा कबूल नहीं करेगा और वो इस्लाम कबूल नहीं करता, तो क्या ये पेशनगोई नहीं है? इतनी बड़ी पेशनगोई नहीं है? इस्लाम के सच्चे होने की दलील नहीं है? जी बिल्कुल सही बात बोले आपने कि इस्लाम का झंडा पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। बिल्कुल फैल रहा है, जहां पर अगर स्टेट में नहीं है तो कम से कम रिलीफ कैंप में है, लेकिन मुस्लिम हर जगह है। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। उसका जवाब दें। आपने पिछली बार भी सिर्फ अबू वो वलीद बिन वलीद का जवाब दिया था कि उसने कहा वो कैसे दायित्व पाएंगे जी, कहते हैं वलीद को कि दांत तोड़े रसूल के। अब मुझे वहां पे बताएं, वहां पे कहां, वो कहां पे लिखा हुआ था कि जो ईमान ना लाए, कहां लिखा हुआ था उस, मुझे वो उसके अंदर ये दिखा दें कि वो कहां ये लिखा हुआ है कि मतलब वलीद रज़ी अल्लाह तआला ईमान नहीं लाएंगे, वो कहां लिखा हुआ है? और दूसरी बार उस पे आप कुरान क्या है तो ठीक है, तुम कौन से होते हो? मैं वॉइस का वरना भी दे सकता था, मुझे उसका जवाब दें जी। मैं कह रहा हूँ जंगे ओहद का आप हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ आपको मिल जाएगा किताबों, इस्लामिक किताबों में जंगे ओहद की हिस्ट्री में जब वो जख्मी हुए थे तो कहा था कि जिन्होंने अपने नबी को जख्मी किया ये कैसे ईमान लाएंगे, इन्हें कैसे हिदायत मिलेंगी, ये लिखा है सीरत की किताब में। आप ये लिखा हुआ कि कैसे ईमान लाएंगे, ये कहाँ पे लिखा हुआ कि वो ईमान नहीं लाएंगे? ये बताए ना मुझे, ऐसे किधर फेरी फेरी करते हैं? मैंने कहा ये अच्छा, हिदायत बिना पाए के ईमान लाने वाले थे क्या? कोई बात नहीं, मैं मेरे अल्फाज वापस लेता हूँ कि मोहम्मद ने कहा ये कैसे हिदायत पाएंगे। अच्छा, बिना हिदायत पाए के ईमान लाए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे फिर मुझे बताए बुला आपके पेशंगोई के पीछे आप क्या कहते हैं? ये जो कुरान जी बैठे हुए हैं, ये आपके आमत बैठा हुआ है या कोई और बंदा, जो मर्जी बुलाए आप बंदा, आप जवाब दें। आप वो पिछली बार भी आपने जो उसका जवाब दिया था उसको मैंने रिफ्यूट कर दिया, अब और कोई जवाब दें आपको? आप ये माने कि कुरान ने पेशगोई की है, गलत साबित नहीं हुई, सही पेशगोई है, अबुल्लाह इस्लाम नहीं लाया और इस्लाम ठीक साबित हो गया, तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। अभी बात सर, अगर सच के रोल से पूछा करें ना, वो जो सच वाला है वो आपके पता नहीं कितने साल कोर्स किया हुआ है, अरबी सीधी पढ़नी आती, उनसे पूछना। बदतमीजी नहीं बच्चू, बदतमीजी नहीं, इज्जत से बात करना। बदतमीजी नहीं, सुनो, आप जवाब दें, मुझे जवाब दें, मुझे बदतमीजी नहीं बात करना। सर जरा रुकिए सर, जिसने उन्हें तमीज नहीं सीखे तो उन्होंने तमीज से कैसी बात करेंगे सर? आप पता क्या के बारे में बकते हैं, आप क्या बकते हैं वो बताए ना मुझे, वो भी साथ में आप बात क्लिप लगा दो जी। आप अच्छा एक मिनट, आपको साइलेंस करके बात करूं क्या मैं? आपने पूछा, आपने कहा सच वाला सर को बराबर अरबी पढ़ना नहीं आती, तो मेरा सवाल है कि आपको आती है अरबी पढ़ना? नहीं, अरबी नहीं, अबुलाब की बात करें। आप देखें ना, एरी फेरी कर रहे हैं फिर दोबारा। अबुलाब की बात करें, यहाँ नहीं जवाब आता तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अरबी की बात करेंगे तो पहले वो सर निकलो मत सर, आप निकले हुए थे पहले से। आप कह रहे हैं कि सच वाला सर को बराबर अरबी पढ़ने नहीं आती है, तो मेरा सवाल है
आपको अरबी बराबर पढ़ने आती है? मुफ्ती यासर नदीम अल वाइदी को तो आती है ना, और बंदों को आती है, आलमों को आती है ना। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप आए ना, तो उनको भेजिए, मुफ्ती साहब को भेजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप जवाब देंगे सर? आपको आती है? हाँ बोलिए सर। नहीं, मुफ्ती साहब ने कि जो मतलब चैलेंज किया था वो सर, नरी जाति को, तो आती तो उनको भेजिए ना सर, मैं सच वाला सर को अभी बुला लेता हूँ। नहीं, वो नरी यात्री को चैलेंज किया था, वो नरी यात्री ने जवाब दिया था, आप तो बड़ा उसके साथ साथ होते हैं ना, आम अच्छा में दिए को राम मैंने सर देख सर साथ होते हैं। उसने क्या है और वो साथ साथ होते हैं सर, ये जिब्राइल आपको गलत, और मैं दूसरी बात क्या करूँ, पूरी तो बात करने दो, आपका बोला आपका बात जवाब देना, ये क्या बिल्कुल गलत बात है, रोकिए ना सर, आप इतना क्यों झूठ बोलते हैं, सुन्नत है क्या झूठ बोलना? अबू लहब जब आजाद जी इस दुनिया से गया था तब दोनों असलामत थे कि नहीं थे? छोड़ दो ना अबू लहब को, मैंने देखा, मैंने नीरज सर को देखा है, ये जनाब से पूछो ना, नीरज सर ना, ना, ये ना, अबू लहब की बात करें ना, इसको म्यूट करो जरा, मैं इसको जरा स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स देता हूँ जो इनके साले राघव दे दिए थे, इनके जो मुफ्ती है नॉर्थ अफ्रीका के, एक मिनट एक नंबर दे देता हूँ आजाद भाई, नंबर है बस, ये रागे जो है ना, जो साले रागे है ना, इनके जो अब मुफ्ती है देखिए अफ्रीका के, उन्होंने बोला कि हर साल 24% लोग 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, हर साल 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं 2016 से, ये सच्चाई है, नंबर है, वो गलत बोल रहे हैं, नहीं है, वो मुफ्ती है। ओके सर, कोराम सर, थैंक यू वेरी मच कोराम सर, थैंक यू, लीना बुला बबुला बबुला की बात करें, थैंक यू सर, आपने नीरज सर का नाम लिया है तो आप अबू लहब को चूल्हे में डालेंगे थोड़ी देर, अभी जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं आप, जिंदा लोगों के ऊपर ही रुकिए। आपने कहा कि मैं नीरज सर के साथ साथ रहता हूँ, तो आप इन वर्ड्स बता सकते हैं इन फिगर की, मैंने कितनी स्ट्रीम किया है उनके साथ? हेलो सर, क्या आप बता सकते हैं नीरज सर के साथ मेरे स्ट्रीम कितने हैं? आपका माइक तो खुला है सर, आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? क्या आप नीरज सर के साथ मेरी स्ट्रीम कितने बार है बता सकते हैं? मैं बताता हूँ, मोदी जी के साथ जमीयतुल उलमा हिंद के कितने मीटिंग हुई और कितनी बार बातचीत हुई, तो क्या मैं ये कहूँ जमीयतुल उलमा हिंद मोदी सर के साथ है और बाकी की जनता दूसरे तरफ है? किसी से बात करना, मुलाकात करना तो उनके साथ आप लगा दे रहे हैं सर, इल्मी बात तो बाद में करेंगे सर, अभी जिंदों की बात तो करो, अभी पहले भागो मत, ठीक है, दोबारा आने के बाद मुझसे भिड़ना, इनको किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है कोराम सर, प्लीज इनको किताबी ज्ञान नहीं होना। नहीं नहीं पिता भी नहीं, असल में मैं भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं सचवाला जी के ऊपर उल्टा उल्टा जो बात करते हैं ना, नहीं आप सचवाला सर नहीं है इसलिए मैंने ले लिया उनको, नहीं तो सचवाला सर रहते। अभी मुफ्ती यासिर का क्या हुआ नीरज सर के चैनल पे, उसके बदले में क्या चैनल हुआ, वो सारी बात छोड़ दो, अभी उसने क्या यहाँ, एक मिनट में कोराम सर हाथ जोड़ के मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर उसकी बात को मैं नहीं रोकता तो इतना ही क्लिप लेके वो उन लोगों में लेके जाते और बोलते कि मैंने देखो ये बताया, तो मैं वो क्लिप नहीं काटन दूंगा उनको, इसीलिए मैंने बोला कि नीरज सर के साथ मेरे कितने स्ट्रीम भेजो, तुम लगा रहे कि हम नीरज सर के साथ काम कर रहे हैं, भाई नीरज सर के साथ नहीं, नीरज सर से प्रेरणा ली हमने कि कैसी बात करना है, वो गुरु है हमारे, मैं ऐलान करके बोल रहा हूँ, वो हम उनको गुरु मानते हैं नीरज सर को, तुफेल सर को, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, हमने उनके साथ कितने स्ट्रीम किए वो तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन बात ऐसी करते हो कि तुम उनके साथ बात कर रहे हो, तुम इनके साथ बात कर रहे हो, जब बोल रहे कि सचवाला सर को अरबी बराबर नहीं आती, तो मेरा सवाल है आपको आती है क्या? नहीं, यासिर को आती है, तो मुफ्ती यासिर को भेजिए, मैं सचवाला सर को बिठा देता हूँ, देख लेंगे किसको कितनी अरबी आती है, तो और ये इनको पता नहीं है कितने लोग इस्लाम छोड़े, ये जिनके पीछे नमाज पढ़े ना, हो सकता है उसमें से कोई एक मेरा दोस्त होगा इनका इमामत करने वाला, नमाज पढ़ाने वाला, मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ मेरे, जो मेरे हाथ पे एक मुस्लिम बंदे है लेकिन नमाज पढ़ा रहे, ये बंदे को क्या पता है, अबू लहब कर रहा है, अबू लहब के अभी क्या कहेंगे, वो समधियों का झगड़ा था यार, अबू लहब का बेटा था और मोहम्मद की बेटी थी, वो तलाक दे दिया उनका आपसे, झगड़ा था वो,
उसमें मरवा मर गया बेचारा कैसा भी, उसको अल्लाह ने भी बदवा दिया। वो तलाक देने के ऊपर झगड़ा था, वो अपने को क्या करने का, लेकिन यहाँ का ही को आपस में, हम भारतीय लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो कहते कि तुम उनसे मिल गए, इससे बात करें तो कहते उनसे उनसे मिल गए। तो आप लोग कौन है? आप लोग लाखों रुपए लेके जाके शेखों के पास जाते, खतरे चूमते हैं, पागल बन के फतरे मारते हैं। भारतीय भारतीय से मिलना गलत है क्या? लड़कियां दे देते हैं, सब दे देते हैं उनको, पेश है खिदमत। व्हाट्सएप की लिंक डालो अमित भाई, वो व्हाट्सएप की लिंक डालो, मैं भी वहां पर व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर, वो तस्वीरें शेयर करूंगा, और फिर पूछो इनसे कि ये क्या मुलाकात है, ये क्या है, पैरा चूमते हैं पैरा, ये मुल्लटे पैरा चूमते हैं, पैरा छूते हैं जाकर, जिनसे आप नफरत करते हैं ना, उनके लीडरों के पैरा छूते हुए फोटो है मेरे पास जी। आज जो मोदी जी, आज जो मोदी जी है ना, मोदी जी के ऊपर, हाँ, उनको रिक्वेस्ट के, उनको अवार्ड दिए हुए है, उनके गले में माला डालते हुए आपके गुरु घंटालों के फोटो आए मेरे पास। वाह वाह वाह, वेरी गुड। आप जिनके ऊपर बर्बाद हो रहे हैं ना, जिन भूत बंगले काबे के ऊपर, वहां के खुद्दामा ये इनके पास, इनको अवार्ड देते हैं, इनकी क्या कहेंगे, मेहमान नवाजी करते हैं। बेखूफो, तुम अपने भारत को छोड़कर कहीं भागते हो और वहां के लोग क्या करते हैं आपको क्या पता है?